रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। वहीं मीडिया खबरों के मुताबिक यूक्रेन की सेना परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में पश्चिमी देशों अमेरिका आदि द्वारा प्रदान की गई मिसाइलों और गोला बारूद का भंडारण कर रही है। हथियारों में अमेरिकी निर्मित हिमरस लॉन्चर के लिए रॉकेट और विदेशी वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलें और बड़े कैलिबर आर्टिलरी शेल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम न्यूज चैनल पर लगे केंद्र सरकार के बैन को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार की नीतियों और कदमों की आलोचना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें केंद्र ने सुरक्षा कारणों से चैनल के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार की सुबह सोशल मीडिया पर आकर नौजवानों से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के नौजवान अपने रोल मॉडल खुद बने, ना कि हर दो महीने बाद दूसरा रोल मॉडल बना लें। पंजाब के नौजवान बहुत ही काबिल हैं। हमारे पंजाब नौजवानों ने विदेश में जाकर कड़ी मेहनत की, जिसके बदौलत आज वह विदेशों में वहाँ के मूल निवासियों से आगे पहुँच गए हैं। उत्तराखंड के प्रमुख हिंदू तीर्थ केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। इस बार उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल को, बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में तेजी दर्ज की जा रही है। नए केस 3500 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 3502 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1921 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 14 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 68,42,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 68,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। इसराइल में यरूशलम के अलक्सा मस्जिद में बुधवार को पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर पवित्र मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक कुछ फिलिस्तीनियों ने खुद को फटाकों, लाठी और पत्थरों के साथ मस्जिद में बंद कर लिया था और बाहर बैरिकेडिंग लगा दिए थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मैनहट्टन की कोर्ट में 34 आरोप तय किए गए। उन्हें पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देकर चुप कराने और इसके लिए बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के केस में कोर्ट में पेश किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, ना ही अपने बिजनेस रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी की है। 57 मिनट की सुनवाई में मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप की जमानत या गिरफ्तारी पर कोई फैसला नहीं सुनाया। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच लीग स्टेज का मुकाबला होगा। मैच गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच आईपीएल इतिहास की सबसे अंडररेटेड राइवली 2019 से शुरू हुई, जब रविंद्र चंद अश्विन ने पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान के जोस बटलर को मॉकजिंग पर अपनी टीम को मैच जिता दिया था। दिल्ली एनसीआर में तड़के सुबह हुई बारिश से पारा गिर गया है। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं बारिश के कारण प्रदूषण स्तर में करीब 70 सूचकांक की गिरावट दर्ज हुई है। मंगलवार सुबह तक म्यूर बिहार और जफरपुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई।